बच्चों पॉलिनोमियल्स बहुपद पढ़ा रहे हैं, तो इसमें इसके सबसे पहले इसके डिफिनीशन जानने की कोशिश करेंगे। बहुपद होता क्या है? तो बहुपद में दो चीज़ें हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। एक तो हमारा चर राश वो एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड के रूप में हो सकता है वो व्यंजक, और उसके साथ कोई पूर्णांक होगा जैसे 1, 2, 3, 4, 5। और उसके साथ में देखो दो चीज़ें हैं, चर होगा और पूर्णांक होगा। गुणा के रूप में हमारा वो परिमेय अपरिमेय कोई भी संख्या हो सकती है, और उसके साथ में हमारा गणित की मूल संक्रिया जैसे प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो या समाहित होता तो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। जब आप बोलेंगे तो समझ में आएगा आप लोगों को। अब जैसे एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे ये तो डिफिनीशन हो गया आपका, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिख दिया 7x2+2। अब इसमें दो चीजें ध्यान देंगे। पहले एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल्स में 7x2+2 में, कि इसमें यक्स जो है ये आपका चर राशि है और इसका गुणांक कितना है? 7 गुणांक। और इसमें आप देखेंगे गणित की एक मूल संक्रिया है प्लस, तो ये क्या कहला गया? ये बहुपद है। बट ये बहुपद तो है, इसमें एक चीज़ और जानकारी थोड़ा होगा आप लोगों को कि इसमें ये दो पदों वाला बहुपद है। प्लस के इधर एक पद है और प्लस के इधर है, ये बहुपद हो गया, दो पदों वाला बहुपद। एक और एग्जाम्पल हम दे रहे हैं 3x2+5x-7। इस बहुपद में आप देखेंगे कि इसमें यक्स जो है चर राशि है और इसके गुणांक के रूप में 3 है 5 है, ये सभी हो गया। और ये 3 5 क्या है? ये 7, ये पूर्णांक है। और इसके साथ मूल की मूल संक्रिया क्या लेती है? प्लस है, माइनस है, और 5 और x के बिटवीन क्या है? मल्टीप्लाई है। तो ये हमारा मतलब ये चर के साथ यदि कोई गुणांक रहे और उसके साथ में हमारी गणित की संक्रिया प्लस माइनस या मल्टीप्लाई रहे तो ये क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। एक और एग्जाम्पल हम देते हैं। अब ये आप देखेंगे तो ये 3 पदों वाला बहुपद है, त्रिपद बहुपद। चलो एक और एग्जाम्पल हम देते हैं 7x3+5x2-3x+2। आप ये देखेंगे तो इसमें 4 पदों वाला ये बहुपद है, इसमें भी x आपका चर राशि है, 7, 5, 3, 2, ये सभी आपके पूर्णांक हो गए जो गुणांक के रूप में है, और इसके साथ में हमारे गणित की जो संख्या प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, तो ये आप क्या हो गया? बहुपद हो गया, और ये 4 पदों वाला बहुपद है। और एक चीज और एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ये सब देखेंगे तो ये पूर्णांक वाले बहुपद है। अब एक एग्जाम्पल हम देते हैं 4/3x2+3/4x-2। अब ये देखेंगे 4/3, 3/4 ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बाद में हम आपको बताएंगे कि परिमेय संख्या होता क्या है, फिलहाल अभी हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं। आप जाने जो p और पान q के रूप में होता है और q≠0 दैट इज नोन लाइन आपका परिमेय संख्या, तो ये परिमेय संख्याओं का ये बहुपद है। तो इस तरह से जो है ये आज हम पढ़ रहे हैं। और इसका एक जनरल अगर हम फार्मूला देखें तो एक व्यंजक हम p के रूप में लिखते हैं जैसे a0+a1x+a2x2+……। हम यन टर्म्स तक anx पावर ले जाते, ये इसकी जो है आपका ये जनरल हो गया, बहुपद का एक इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 0, a1, a2, an, ये क्या हमारे ये सभी गुणांक के रूप में है, यानी पूर्णांक भी कह सकते हैं, परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। x हमारे क्या है? अचर राशि।